नमस्कार, नेशन वन में आपका स्वागत है। मैं हूं लिली। विज्ञान जगत का वो सूरज जिसे हम आइंस्टाइन कहते हैं आज अस्त हो गया, जिसने तारों की दुनिया की कई बातें हमें बताई थी। हम बात कर रहे हैं दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की, जिनका 76 साल की उम्र में निधन हो गया। दुनिया के इस महान वैज्ञानिक को नम आंखों से विदाई देते हुए आइए जानते हैं स्टीफन हॉकिंग से जुड़ी वो बातें जो उन्हें हमेशा दूसरों से अलग बनाती थी। अक्सर हम और आप किसी न किसी चीज को लेकर शिकायत करते हैं, लेकिन वहीं स्टीफन हॉकिंग ने मुश्किल समय में भी सकारात्मक सोच बनाए रखी। शारीरिक निष्क्रियता के बावजूद हॉकिंग ने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा और एक सफल वैज्ञानिक बने। 1962 में स्टीफन हॉकिंग ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में कॉस्मोलॉजी में रिसर्च शुरू की। खास बात ये थी कि उस समय ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। स्टीफन ने दुनिया को अंतरिक्ष के रहस्य बताने के साथ कई सिद्धांत दिए। उन्होंने भौतिक विज्ञान में हॉकिंग रेडिएशन, पेनरोज हॉकिंग थ्योरम्स, वीकेंस्टीन हॉकिंग फॉर्मूला दिए। वहीं हॉकिंग एनर्जी, गिब्सन हॉकिंग स्पेस और गिब्सन हॉकिंग इफेक्ट उनके अहम सिद्धांत रहे। वर्तमान में स्टीफन हॉकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के सेंटर फॉर थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी के रिसर्च विभाग में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। स्टीफन हॉकिंग के निधन की खबर से पूरी दुनिया में शोक का माहौल है, लेकिन उनका जीवन सकारात्मक सोच की वो मिसाल है जिसे देश में आगे बढ़ाना होगा। तो ये थी हमारी स्टीफन हॉकिंग पर एक खास रिपोर्ट।